हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। और आज संडे का दिन है और सुबह सुबह कैमरा पकड़ा दिया है मेरे हाथ में। उनको कोई काम तो होता नहीं है संडे की सुबह। ये देखो, वीडियो के चक्कर में पंखे हिला रही, कुछ नहीं कर रही है। तुम क्या करूं? कुछ मत करो, जाके लेट जाओ यार, सो जाओ और सोने दो। अभी सुबह की देखो, 8 भी नहीं बजे से। हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि मेरे अंदर कितनी मोटिवेशन है। कुछ नहीं मोटिवेशन। चलो हटो यार, सुबह सुबह झाड़ू लगा ले। यार सोने का यार, क्यों तो परेशान भाई? ये कहाँ से निकाला तुमने? पंखे में से। मेरे को लगा अपने शरीर में से। सोने में नहाती नहीं हूँ दोस्तों। अगर मैं बचा आपसे होगा, बहुत तेज हो रहा है। ऐसे कहाँ थी? सोफा वहाँ पे जाएगा। सोफा यहीं रहेगा। सोफा वहीं पे ही जाएगा। सोफा यहीं रहेगा। सोफा नहीं जाएगा। कहीं इधर बैठ गया मैं, ये मैं इधर बैठ गया बस। सोनो सुबह सुबह ना ड्रामे मत करो, कभी दिमाग मत खराब करो, सोफा यहीं रहे। देखो 7:30 बजे कभी मैं उठा के, मैं तुम्हें पता है ना, वैसे भी वहाँ पे पूजा करने में दिक्कत होती है, सोफा यहीं रहे। तो गुरुजी तेरी बेटी सोफा को सोफा यहीं रहे। सोफा यहीं रहे। सोनो तेरी बेटी बात खत्म। मैं बुल्लू नहीं, खड़ा हो जा यार। वो बुल्लू गुस्सा वो करती है ना यार। क्या करती है बुल्लू? बुल्लू क्या करती है और ऐसा क्या नहीं करेगी गुल्लू वहां पे? गुल्लू क्या वहां पे चढ़ेगी नहीं? गुल्लू वहां पे कम चढ़ती है। क्यों चढ़ती है कम? क्योंकि एक तो वो पूजा के आले में नहीं जा सकती। वाह, वो चुड़ैल है। हाँ चुड़ैल है वो। अच्छा, मैं भी तुझे चुड़ैल कहूंगी। चुड़ैल शुरुआत तो आपने करी है। मैंने तो पूछा है। सोनू खड़े हो जाओ, मेरा ना गुस्से का लेवल हाई हो रहा है। हाई कर ले, क्या करेगी गुस्सा करके? सोफा यहीं रहेगा, यहीं पे धरना प्रदर्शन हो गया है आज से। सोफा यहीं रहेगा, यहीं से 70 ग्रह की आवाज़ उठेगी। सोफा यहीं रहेगा। आप 70 ग्रह की आवाज़ उठाओ इतने, यहाँ पे प्रदर्शन करो। जरा मैं सोफा रख के आ रही हूँ। कैसे रख दूंगी सोफा? ये प्रदर्शन का फायदा ही क्या? मैं इसके ऊपर ही करूँगा। उसको वापस लाने के लिए प्रदर्शन किया जाता है। क्यों वापस लाने के लिए किया जाता है? हम जाने क्यों दे दें वापस लेके? सत्ता में हर कोई जाता है, फिर उसके बाद उसको वापस लाने के लिए प्रॉब्लम। बिल भी क्या हुआ था? बिल पास हो गया था, उसको हटाने के लिए सत्ता में इतनी लड़ाई हुई थी। कौन सा बिल पास हुआ? कोई हुआ होगा ना केजरीवाल अंकल का। दिमाग खराब करा दो। चलो खड़े हो। मैं नहीं हटूंगा सोफा यहाँ से। नहीं हटेगा सोफा यहाँ से। नहीं हटेगा। सुनो 4 मिनट की क्लिप। जय भारत जय नेपाल, सोफा रहेगा यहीं। चिंता मत कर, जाएंगे तो दोनों घर से बाहर जाएंगे। नहीं तो नहीं जाएंगे। तुम चलो, दोनों बाहर चलो। आपको भी उठा के बाहर रख रही हूँ और सोफे को भी। चलो आप दोनों बाहर चलो। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब बीबी का बेलन उठता है ना, तब कौन किसके साथ होता है तुम्हें भी पता है। किसके साथ होता है? सोफा मेरे साथ होगा, तुम बाहर हो गए। जब सोफे की बीवी ने बेलन उठा लिया तो सोफा कहेगा भाई जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे काम होना चाहिए। ऐसा है? ऐसे तो तुम भी कहते हो। मर देखता जिंदा मर। अभी तुम, अभी मैं निकालूं? अभी मर देखता तुम्हारी भी निकल जाएगी और सोफे की भी निकल जाएगी। सोफे की बीवी ने उठा लिया बेलन। वो बैठी हूँ। तो दो दो। सोफा 3 मर्द है, ये इसकी बीवी है और ये इसका एक बच्चा है। हमारी तरह फैमिली है इसकी भी। सोफा एक, ये रहेगा। हाँ, आदमी आदमी के साथ है, औरत औरत के साथ है, बच्चा बच्चे के साथ है। ऑलवेज बीबी विंस। आ जाओ। मैं नहीं आ रहा। आ जाओ, आ जाओ उधर से। 2 दिन रख के देखते हैं सही लगा
तो ठीक है, वरना फिर वापस यहाँ पे रख देंगे भाई। इसी छत के पीछे हमने सत्याग्रह वापस किया। अब कहाँ जा रहे हो? चाय बनाने। पहले सोफा तो उठवाओ, मेरे से उठाया नहीं जाएगा। मैं सो गाइस, नहाने धोने का काम हो चुका है कंप्लीट, और इस बीच जो है हम लोगों ने बहुत सारे पेंडिंग काम जो थे अपने कंप्लीट किए हैं। शू रैक को क्लीन करना था, वो किया है। आज मोची भैया आए थे तो उनसे जो है बंसल जी की दो तीन जूती ठीक करवानी थी। एक्चुअली पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता, जूती का जो सोल है ना वो और ऊपर वाला दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो काम करवाया मोची भैया से। उन्होंने पूरी सिलाई करी है। दो जूती थी, मेरी एक चप्पल थी, वो सारा काम करवाया। और इधर अब पूजा पाठ करके बंसल जी नमस्कार करते हुए अब जय बाबा भोलेनाथ को याद करते हुए रोबजे का दूध पी रहे हैं और मैं भी पी रही हूँ, क्योंकि फिलहाल इतने ज़्यादा थक गए थे। दो तीन बार के कपड़े थे, खाने थे, अरे भैया बहुत काम थे आज, मतलब पेंडिंग वर्क बहुत था। और फाइनली मेरा सोफ़ा जो है वो इधर आ गया है, इतनी जद्दोजहद लड़ाई झगड़े के बाद। मतलब मैं हाँ, लेडीज विन हमेशा, वैसे भी जीतना तो लेडीज को होता है। और इधर गुल्लू मैडम अपना नहा धो के दूध पीते हुए, और इधर मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा भी चेंज किया है, बट ठीक है, चलो काम तो चलता रहता है। और अब टाइम हो रहा है 11:15, अभी बंसल जी पूजा करके हटे हैं। बस मीठा इतना ही सही है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम दोनों की सेहत के लिए। आओ बेटा, आओ जय जय करो। लव अब इसको वो नहीं, ओ पता है पूरा दूध बचा हुआ है, पूरा दूध बचा हुआ है, और ये आई है रोबजे वाला दूध पीने। है मुझे पता है ना, इसको पी के खत्म करो सोनू, मैं मजाक नहीं कर रही, अपना दूध छोड़ के रोबजे वाला दूध पीने आई है। सोनू मत पिलाया, ठंडा है, प्लीज मत पिला। अरे ये बस आपका वो वाला था चम्मच वाला, नहीं चम्मच मैंने तेरे में डाल दी, थोड़ा सी उठ के शहद वो दो, रोबजा शहद डाल दूं? भाई शहद डाल दे तो जा, ठीक है। लस्सी तो पिला रहे, लेकिन ठंडी है। पीले पीले गुल्लू की मूंछें बन गई है। सोनू ठंडा है, प्लीज मत पिलाओ। फिनिश करना है उसे। गुल्लू नो, ये यम्मी। गुल्लू नो, दोनों बाप बेटी। जल्दी कर, सबको पता कैसे पीता गुल्ला, गुल्ला कैसे पीता है, कुछ 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 मुझे बन गई बाबू की मुझे, बाबू की मुझे आ गई। बहुत काम कर दिया तुमने, मेरी बेटी जो काम करता है वो थक के सोता है, ना तुमने कोई काम करा ना तुम थक के सोई। अच्छा। मेरी बेटी को देखो। अच्छा। सुबह उठते के साथ ही अगली है। तो मेरी बेटी काम करती है, सबको दिखता है। नहीं, आपकी बापता बहुत जानती है। सुबह उठती है सबसे पहले। अच्छा। फिर अम्मे को उठाया। हाँ। फिर मेरे को लेके गई। हाँ, दूध गर्म करवाया। फिर दीदी आ गई काम वाली, फिर उनके साथ सारा काम दिखवाया उसने। अच्छा, गुल्लू ने। अच्छा। सारा काम दिखवाती है। हाँ, और? कि कैसे बर्तन धो रही है दीदी, कैसे झाड़ू मार रही है सब। और मम्मी क्या कर रही होती है? मम्मी तो सो रही होती है। अच्छा। फिर अपना दूध पीती है। अच्छा। फिर कहती है पापा मम्मी की चाय बना के लाओ। अच्छा। फिर पापा चाय बना के लाते है। अच्छा, फिर? फिर पापा के साथ काम करवाती है। क्या काम करवाती है? दिखवाती है सारा घर। अच्छा, ये देखते रहते हो आप? तो देखना पड़ता है ना। अच्छा, जाड़ पात ना हो जाए। हाँ। अच्छा, फिर कूड़े वाला आ जाता है, फिर कूड़ा इकट्ठा करके फेंकते हैं। अच्छा, दोनों। हाँ। अच्छा, फिर? फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े थे वो सुखाए। अच्छा, फिर? सुखाते हैं, फिर जो कपड़े डालने के होते हैं वो डालते हैं। अच्छा। हाँ, फिर? ये सारे कपड़े गुल्लू ने धोए हैं। अच्छा, अभी गुल्लू तय भी करेगी। हाँ। और बेचारी सो रही है। अच्छा, और बहुत काम होते हैं ऐसे घर के, 50 काम है। हाँ,
फिर है ना, हाँ। मैंने तो नहीं कहा तू सारा दिन घर में करती क्या, एक भी वीडियो में बता दे। बहुत बार कहा हमने, लेकिन जब ये काम गुल्लू करती है तो तेरे से तो पूछा ही जाएगा सारा दिन तू क्या करती है। कैसे ऐसी फंस गई है, फंस गई तेरी। गुल्लू संभालती हूँ, तू गुल्लू संभालती है, गुल्लू सारा काम संभालती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। चलो तेरे पास कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज का, और क्या कपड़े तय करने दो मुझे। चलो ठीक है। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ बंसल जी के साथ घूमने। किसके साथ जा रही हूँ? बंसल जी के दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ और अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ अब, ठीक है? और इधर बंसल जी भी रेडी हो। क्या हुआ? चलो मैं पहले गुल्लू को देखती हूँ। सो गाइज हम आए हैं बंसल जी के फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करने। और बंसल जी के फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स? मेरे नहीं हैं वो, आप ही के हैं। सारी बातें तो आपके मांगते हैं, लगोटिया यार आपके हुए है तो फिर मेरे तो शादी के बादल है यार हो गए ना, तुम्हारे तो शादी से पहले वाले यार हैं। जो यार शादी के पहले वाले वो मेरे हुए, जो शादी के बाद वाले वो तुम्हारे हुए। अच्छा, मेरा तुम्हारा और तुम्हारा मेरा, बस ये तो हमारा हुआ। हम लोग आगे आगे तक आगे और पीछे कोई भी नहीं आया। वो तो इनके हैं। आज पोपट हो गया, वो तो उधर चले गए भाई, सारे के सारे पीछे रह गए हैं। और हम कहाँ आए हैं? सेक्टर 26 नोएडा। यस, सेक्टर 26 नोएडा आए हैं। आप भी आए हो ना? हम आए, हम आए। खाना पीना हो चुका है डन और मैंने रेस्टोरेंट से चुराई है सौंफ और एक गिलास चुराया, इन द सेंस उन्होंने बिल में तो लगाए दिए होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो सौंफ और ये खा देते हैं। और खाना इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पीछे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है और अभी भी आ रहे होंगे आप म्यूज़िक के बाद ना। गाइस ये बज रहा है रात के 1:30, ये देख लो। और ये भाई साहब डिनर करने के बाद अब आए हैं मूवी देख के। मैं पिक्चर देखने नहीं गया था, सोनिका के लिए दूध लेने गया था रात को 1:30 बजे मेरे लिए। और देखना वो बेचारी सोई नहीं है, पापा पापा कर दी थी। मेरी राजा बेटा एसी चल रहा है मेरे चकुंदर। चकुंदर मत बोलो, मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है ना। देख रहे बेटी ने भी कहा ना दूध ले आया हो ना, देखो दूध लाया हूँ मैं। सो गाइस फ्रेंड्स के साथ आके हम डिनर विनर करके मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, और देखो एक मेरे पजामा ऊपर और एक नीचे, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ मुझे आ रही है नींद। और बंसल जी आए हैं अब, देख लो बंसल जी के आने के तरीके है यार, मेरी शक्ल देख लो। मैं सो रही हूँ, गुल्लू को संभाल लेना, दूध ला के रखा हुआ, अपने आप देख लो ना। गुड नाइट गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ के लिए। डू लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बंसल फैमिली। चाहे वो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो आप, जाओ फटाफट से वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करो और स्टेटस पर लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ को देखें। गुड नाइट।